এবং বাংলাদেশ থেকেও এসেছেন আমাদের বন্ধু आप लोग एक बार सोचिए जो ये हमारा जो हम त्रिपुरा में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली जाते थे अब यहाँ से जाने के लिए पहले 24 घंटा बस करके जाते थे गुवाहाटी में गुवाहाटी जाके स्टेशन में 6-7 घंटा बैठते थे और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र काफी सारे ट्रेन पूरे देश भर में जाने के लिए होता था तो हमारे लिए देश कितना दूर था मतलब हमारे कैपिटल हमारे लिए कितना दूर था वो थोड़ा सा आप लोग रियलाइज करें आज आजाद भारत के 75 ईयर्स कंप्लीट जब हुआ है अभी एक साल पहले हमारा प्रदेश से दिल्ली राजधानी जाता है उसके लिए टाइम कितना लगा है उसके लिए 74 ईयर्स लगा है जो त्रिपुरा के लोगों को लगने लगा है जो देश के कैपिटल भी हमारा है और हम जा सकते हैं वो किसने किया मोदी जी ने किया है मतलब 1964 धर्मनगर में रेल आता है और 1964 के बाद करीब करीब 30 साल लगता है कुमारघाट रेल आने में 30 किलोमीटर आने में मतलब हर के 1 किलोमीटर आने के लिए 1 साल टाइम लगा है और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट पे आया है उसके बाद 2014 से 2019 के अंदर 400 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल बनता है रास्ता बनता है और 18 ट्रेन हमारा त्रिपुरा से उदयपुर में जाता है ये परिवर्तन हुआ है ये बदलाव आया है देश आगे बहुत बढ़ चुके हैं अभी देश में सिर्फ सैटेलाइट बन नहीं रहा है आज कोविड वैक्सीन नहीं बन रहा है लड़ाई के जहाज बन रहा है हमारे देश के युवाओं ने पूरा दुनिया भर के आज बड़े जितना कंपनी है बैंकिंग सेक्टर हो बस सॉफ्टवेयर सेक्टर हो पूरा देश भर में हमारे यहाँ के युवाओं ने उसी जगह पे टॉप जगह पे बैठे थे SSBC बैंक हो ICICI बैंक हो ऐसे जितना सारे दुनिया के बड़े बैंकिंग सेक्टर हो उसका आप CEO देखेंगे तो भारत इंडिया लोग वहाँ पे युवाओं लोग बैठा ये परिवर्तन हुआ है देश में लेकिन अभी जर्नलिस्ट जो आप लोगों का जो यहाँ पे कार्यक्रम है सिर्फ आप लोगों का एक दो बात में बोल के खत्म करूंगा इसलिए जब भी कवि और साहित्यिक जो लिखने वाले और जर्नलिस्ट होते हैं ना तब बोलने वाले की भी पैर क्या करूँ मतलब हिलते लगते क्या बोलूँ क्या कल लिख जाए ये आपकी जो हिस्ट्री है मतलब ये जो लिखने का जो हिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुआ है ये मतलब हमारे 1400-1500 साल में मतलब 1400-1500 अंग्रेजी थे गोटा पृथ्वी थे अर्थात मानुषेर कथा तखनकार समय राजा महाराजादेर बक्तव्य विभिन्न व्यापारी अर्थात वाणिज्यिक जो लोग बिजनेस करते थे तब के जमाने में उसी के द्वारा वो उनके जो मैसेज थे पूरे एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव वहां से सिटी ऐसे ये चलता था उसी से शुरू हुआ है ये जर्नलिज्म मतलब वो जो बोलने का और लोगों को जो मैसेज देने का उस टाइम शुरू हुआ था क्या राजाओं का जो मैसेज है वो जो बिजनेस करने वाले फेरी करने वाले है उनके थ्रू जाते थे बाद में ये क्या बाद में ये बदलाव आया है बदलाव मतलब यूरोप कंट्री में 16-1700 साल में वहाँ पे धीरे धीरे नोटिस के मतलब फिर कागज में आया है जो घर घर पहुँचाना है जाके मैसेज दे के आते राजाओं बाद में ये कन्वर्ट हुआ है प्रेस शुरू हुआ है लिखने का 1700 साल में प्रेस आया है धीरे धीरे न्यूज प्रिंट लिखना शुरू हुआ है और तब के बाद से हम देखेंगे हमारा देश में 1800 शताब्दी के बाद जो शुरू हुआ है सिर्फ हम लोग अभी बोलते जनता की आवाज है जनता के आवाज नहीं थे जनता की आवाज अभी बोलते हैं तब क्या थे तब हमारे देश में जो लड़ाई करने वाले जो स्वाधीनता संग्रामी है ये राजबिहारी बसु सुभाष चंद्र बोस जितेंद्र आनंद दास गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे जो बड़े बड़े हस्ती थे इनके जो मैसेज है देश के लिए वो मैसेज उनके थ्रू जाते थे मतलब वो लोगों का जो मैसेज है वो रिपोर्ट के मतलब न्यूज पेपर के काम था उन्होंने क्या बोलते थे वो पूरा देश को जनता तक पहुंचाना है ये था बाद में आप देखिए हमारे जो स्वाधीनता के बिल्कुल जब करीब आया है काजी नजरुल इस्लाम ने जो लिखा है इसे बहुत सारे लिखा था उस लिखा में लोग बोलते थे उनके लिखनी में जो गोले और जो बारूद के बदबू आते थे इसीलिए विद्रोही कवि नजरुल बोला जाता था उन्होंने क्या लिखते थे उन्होंने लिखते थे साम्यवाद के लिए बोलते थे इक्वलिटी के लिए
बोलते थे, उन्हीं लोग बोलते थे जातिवाद के खिलाफ लिखते थे, उन्होंने बोलते थे ब्रिटिश को कैसे भगाया जाए वो लिखते थे। तो आज ये जरूरत है क्या? आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग है, देशभर से आए, आप पता ही हो उसी विषय आज जितना जरूरी है आज उस विषय जरूरी नहीं है। किसी तब ब्रिटिश था, तब शोषण था, तब जातिवाद ज्यादा था, इसलिए लिखा जाता था। आज क्या प्रॉब्लम लिखना है? आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़े प्रॉब्लम आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आज देखिए 5 जून हम लोगों ने इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे मनाया है। आप एक बार सोचिए, आप दिल को या जितना सर इधर बैठे और सामने बैठे हैं, मैं सबको बोलता हूँ एक बार आप लोग सोचिए, ये 50 साल हुआ है, 50 साल पहले शुरू हुआ था इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। तो 50 साल में हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप पेड़ लगाते हो, वृक्ष लगाते हो, तो लगाए तो कितना बचा है? आपने हर साल 10 पेड़ लगाया होगा तो 50 साल में 500 पेड़ होना चाहिए था। आपका ऑर्गेनाइजेशन के सामने है क्या 500 पेड़? 5 पेड़ भी नहीं है। इसलिए वो दिल से नहीं किया, लगाया सिर्फ, वो फोटोग्राफी हुआ, अभी वो सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। तो वो प्रॉब्लम आज लिखना है क्या? जब काजी नजरुल ने लिखा था ब्रिटिश को भगाने के लिए, तो आज ये लिखना कौन सा जरूरी है? आज हमारा वृक्ष बाचे उसके लिए भी लिखना है। ये भी हमारे जो राइटर लोग है इनमें भी हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारे फ्रीडम के लिए और जनता के लिए नहीं है, देश के भी लिए लिखना है और ये दुनिया को बचाने के लिए भी लिखना है। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। आज दिल्ली सिटी में 500 फीट नीचे वाटर लेवल है, वहाँ पे कोई भी पानी के बोरिंग कराता है 500-550 फीट नीचे बोरिंग करना पड़ता है। ये हमारे लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमारे त्रिपुरा में 300 फीट नीचे पानी जा चुका है, तो ये कौन लिखेगा? किससे ये आवाज उठेगा? ये आपसे उठेगा। ये हम नेता लोग, हमारे जो कमी आप लिखेंगे लेकिन उसका समाधान भी लिखना पड़ेगा। उस कभी ये जो हम लोग जो सोचते हैं, आपके जो एक लोगों के मन में जो भावना है सांबादिकों के लिए, जो इतना रेस्पेक्ट है, जो इतना लड़ाई, इतना आज़ादी के लिए आप लोगों ने इतना काम किया है, सिर्फ आज हम लोग बोलते हैं जो सरकार के नेगेटिव साइड उठाने के लिए, ये नहीं है। ये तब सरकार बनाने के लिए, देश से ब्रिटिश को भगाने के लिए भी आप लोगों ने साथ दिया है, सांबादिकों ने साथ दिया है। इसलिए आप लोगों के जो सम्मान है वो भी बरकरार रहे। हम लोग बोलते हैं ये बहुत एक्सपर्ट लोग है, मैं सुना जैसे ये लोग देश विदेश में जाते हैं। आज भी यूरोपियन बहुत सारे देश है जो किसी के बारे में लिखने का पहले उससे पूछा जाता है, आपके नाम पे ये एलिगेशन आया, ये सच है क्या? बताइए, आप आपके आपके पक्ष रखिए। आज के डेट में हमारा बहुत सारे, मैं नहीं बोलता हूँ सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर लोग ये पूछते नहीं है कि आपके नाम पे एलिगेशन आया है, आप बताइए सही क्या? कोई भी कुछ लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम भी हमारे जब ये जो लिखनी और हमारे जो सम्मान है उसको भी बरकरार रखें, तभी ये जो सांबादिकों का जिससे शुरू हुआ था देश के आजाद के लड़ाई के लिए सिर्फ नहीं है, हमारे जो सभ्यता, ये जो परंपरा शुरू हुआ है, ये भी बचे रहे, मतलब चिरंतर रहे, उस दिशा में आप जाए। मतलब हिंदी मेरा थोड़ा खराब है, हिंदी बोलने की कोशिश करोगे तो हिंदी वाले ज्यादा समझने वाले हैं। तो हमारे सबके कोशिश रहना चाहिए। हमारे प्रदेश में आप लोग आए, मेरे को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज हम लोग, हम जिस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आज हमारे, हम लोग बोलते बंगालियों में बहुत साहित्यिक है, बहुत राइटर है, बहुत लिटरेचर ज्यादा है, हम लोग बोलते कल्चरली हम लोग रिच है, लेकिन हमारे आप देखेंगे तो छोटे बच्ची का विवाह ज्यादा होता है। देश में आज हम लोग 2nd पोजीशन में आए, इसका बदलाव कौन करेगा? उसके बदलाव के लिए इंडियन जो बैठे हुए लोग, ये सब लोग उनका लिखनी में आना चाहिए है, तो ये इसके भी बदलाव आना चाहिए। आज छोटा सा प्रदेश है जहाँ पे 40 लाख लोग बात से, हम लोग करीब 60,000 से ऊपर दिव्यांग लोग है, बच्चे जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे 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 ये हुआ, इसलिए जो बालिका विवाह है उसको भी बदलना चाहिए। तो ये सब कुछ, ये जो आप लोग इसी एक और मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म है, ये समाज को सुधारना भी है और सरकार को दिशा में सीधा चले उसके लिए भी करना है और उसका समाधान भी आप लोगों से आना है। इसलिए आप लोग, इसलिए आप लोग बोलते हैं, लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं, आप लोगों लोग बोलते हैं समाज के दर्पण बोलते हैं, आप लोगों से हम मीडिया जो उसके समाज के दर्पण बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। आपको बोला जाता है जो हमारे जो 4 स्तंभ है गणतंत्र के, उसके 1 स्तंभ आप लोगों को बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है, सिर्फ आप लोगों को लिखना नहीं है, कागज और पेन नहीं है, आप लोग सरकार और समाज को सीधा दिशा में चले उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है और आप लोग करते हैं, इसलिए आज इतना आगे बढ़ रहा है, देश बहुत आगे जा चुके हैं।
हम उम्मीद करते हैं ये दो दिन के जो सेमिनार है यहाँ से बहुत बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन होगा, ये समाज के हित में भी होगा, आप लोगों के भी हित में होगा। और सरकार यहाँ पे हमारे जो प्रणवता है उन्होंने बताया है, सरकार हर टाइम हमारे यहाँ पे मीडिया भी, आज पहले जैसे मीडिया था आज वो मीडिया ऐसे नहीं है, ये एक रोजगार भी के जरिया भी है, आज बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल है। पहले क्या होता ना, दो तीन मीडिया हाउस था, आज ऐसे नहीं है, आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी हजारों युवाओं का रोजगार यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब मिलके ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें से अच्छे कुछ निकलेगा और हमारे प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। सब लोगों को शुभ्रभात बोलता हूँ, सबको सबके अच्छा रहे ये कार्यक्रम। आप त्रिपुरा में आए बाहर से जो लोग, उत्तर प्रदेश के जो भाई है उनको मैं मतलब हार्ट करने के लिए नहीं बोला, जस्ट एक फीलिंग के लिए बोला है। जो हम ये प्रदेश आजाद भारत के 75 इयर्स बाद हम लोग त्रिपुरा के जो युवा है और त्रिपुरा के जो लोग है, लगा जो हम लोग जहाँ देश के ये जो स्वाधीन भारत के हम भी एक हिस्सा है, इसलिए इतना दिन लगा। ये ट्रेन आज से और 50 साल पहले भी आ सकता था, हो सकता था, ये काम हुआ नहीं, इसलिए कभी ये लोग सोचा भी नहीं। जो नॉर्थ ईस्ट का भी डेवलपमेंट हो, आज मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, हर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी गया। एक प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए रेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोड कनेक्टिविटी देखिए, हमारा प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल हाईवे था आसाम अगरतला, किसी कारण से किसी बंद हो जाए, वो मिट्टी गिर के ये बरसात के टाइम बंद हो जाए, 15-15 दिन गाड़ी नहीं आते थे, 20-20 दिन गाड़ी नहीं आते थे, आज एक नहीं, आज इसे 11 नेशनल हाईवे के काम हुआ है। आज अटल नेशनल हाईवे ग्वालियर शहर से जहाँ 6 घंटा, कल शाम को मेरा एक मीटिंग। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.